हेलो दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीगल जीके का एक और नया वीडियो। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। कोयली देवी की पिटीशन है, उस पर कोयली देवी जी की पिटीशन है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, ये कहते हुए कि इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर इफ द सेंटर हैज़ रियली कैंसल्ड 3 करोड़ राशन कार्ड्स। 3 करोड़ राशन कार्ड्स जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। इस पर जवाब मांगा है, और इंक्लूडिंग दोज ऑफ ट्राइबल एंड पुअर एरियाज सोलली बिकॉज दे कैन नॉट बी बायोमेट्रिकली लिंक्ड विद आधार। ये जो पिटीशन है वो कोयली देवी जी ने फाइल करी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना जो रिमार्क दिया है वो कहा है कि बहुत ही सीरियस मैटर है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 करोड़ जो हमारे राशन कार्ड्स हैं उनको कैंसिल कर दिया है, और ये जो राशन कार्ड्स हैं वो सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दिए गए हैं क्योंकि ये आधार से लिंक नहीं हो पाए थे। इस वजह से तो इस केस पे आगे भी सुनवाई चलेगी, लेकिन कुछ मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ इस सारे पूरी इन सब चीज़ों के पीछे। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है वो ये है कि जो कोयली देवी है इनके बारे में जानना ज़रूरी है। कोयली देवी बेसिकली ये झारखंड की रहने वाली थी। हमने कुछ साल पहले झारखंड का एक केस सुना था जिसमें एक बच्ची थी, वो उसकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन। ऐसा कोयली देवी जी का कहना था कि उनकी जो बच्ची थी उसकी डेथ जो हुई थी वो स्टार्वेशन से हुई थी। हमने इस पर कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी देखी थी, और उस समय इनका कई सारा वीडियो भी वायरल हुआ था कि जो वो बच्ची थी वो भूख की वजह से बिलख के मरी है, और वो आखिर तक ये कहती रही भात भात, मतलब भात यानी कि चावल राइस खाने को मांगती रही। और क्योंकि इनका जो आधार के साथ इनका राशन कार्ड लिंक नहीं था, और जो बेनिफिशियली जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडाइज्ड राशन इन्हें मिलता था वो नहीं मिल पाया, उसकी वजह से ये जो बच्ची है उसकी डेथ हुई थी। ऐसा इन्होंने अपनी पिटीशन में कहा है, जो कि जो इनके लॉयर हैं वो है सीनियर एडवोकेट कॉल्विन गोंजाल्विस। और जो इनकी पिटीशन है इसमें इन्होंने कहा है कि जो जो कार्ड्स हैं वो बेसिकली जो फंक्शन नहीं हो पा रहे हैं उसका कारण ये है कि जो ट्राइबल एरियाज में जो आधार कार्ड थे बायोमेट्रिकली लिंक, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से और भी कई सारे रीजंस की वजह से जो हमारा बायोमेट्रिक आयरिस स्कैन वगैरह होता है वो नहीं हो पाया है। और लेकिन जो यूनियन ऑफ इंडिया का जो कोर्ट का व्यू, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है वो ये है कि ये जो कार्ड्स थे बेसिकली ये कार्ड बोगस थे, और ये कार्ड बोगस थे, और ये लोग जो थे वो बेसिकली जो गवर्नमेंट ने कहा ही है कि जो आधार जो हमने लिंक करने का मतलब ही था कि जो ऐसे लोग हैं जिनके पास जो आधार हमारा जो लिंक होगा, जो ऐसे लोग हैं जो बेनिफिट उठा रहे हैं हमारी जो सब्सिडाइज्ड स्कीम्स हैं, सब्सिडाइज्ड राशन कार्ड्स हैं, और वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो उनको एक्सक्लूड करने के लिए। जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना बताना एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा। आधार कार्ड जो है वो पहले जो आइडिया एज एन आइडिया सोल्ड किया गया था वो इस हिसाब से सोल्ड किया गया था कि जो लोग जो बीच में जो हम जो मतलब जो बेनिफिशरीज हैं, जो गवर्नमेंट जो सर्विसेज चला रही है और जो बेनिफिशरी हैं उनके बीच में जो लूप होल्स थे उसको ख़त्म करने के लिए, जो व्यक्ति सरकार से फ़ायदा उठा रहा है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो जाकर के जो आधार कार्ड है वो जो गवर्नमेंट का आइडिया था कि हम उन लोगों को हटा देंगे जो बीच में एज एन घोस्ट हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको मिलना नहीं चाहिए वो फ़ायदा, लेकिन जो आज आधार जो है वो टूल ऑफ एक्सक्लूजन का भी काम कर रहा है। अगर ये इस केस में आगे सुनवाई होती है, इस केस में और जो मैटर निकल के आएगा उसमें इससे ये पता चलेगा कि अगर वास्तव में जो कार्ड्स हैं आधार कार्ड्स की वजह से जो राशन कार्ड्स अगर डिलीट किए गए हैं तो ये टूल ऑफ एक्सक्लूजन का भी काम कर रहा है। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उससे आया था, आधार कार्ड के आधार केस जो हुआ था वो 38 डेज लगभग आर्ग्यूमेंट्स चली थी उसमें, और उसमें कहा गया था कि आधार कार्ड जो है वो वेलफेयर स्कीम्स के लिए मैंडेटरी नहीं है। वेलफेयर स्कीम्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में जो जैसा कि सीजीआई जी ने कहा कि ये मैटर ग्रेव कंसर्न का है, और 300 करोड़ राशन कार्ड्स हैं। इनके जो एडवोकेट हैं कॉल्विन गोंजाल्विस, उन्होंने कहा है कि लगभग हर स्टेट से 10 या 15 लाख लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड आधार कार्ड की वजह से लिंक ना होने की वजह से हटा दिया गया है, और सुप्रीम जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कहना है कि कार्ड बोगस थे।
तो पिटीशन में ये बात भी लिखी गई है कि नॉन फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेट इन रूरल एरियाज लेड टू लार्ज स्केल कैंसिलेशन ऑफ राशन कार्ड्स विदाउट नोटिस टू फैमिली कंसर्न्स। अच्छा, राशन कार्ड्स अगर हटाए जा रहे हैं तो इसका जो नोटिस है वो भी फैमिली को नहीं दिया जाता। अगर फैमिली को नोटिस भी नहीं मिल रहा है तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि आपका राशन कार्ड हटा दिया गया। हालांकि जो हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितना समझ पाती है इस नोटिस और इन सारी चीज़ों को, वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न होगा। लेकिन जो बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं जो हमारे देश की, जो उसको देखते हुए आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था कि आधार कार्ड को मैंडेटरी नहीं बताया था। कोयली देवी के बैकग्राउंड में अगर, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, कोयली देवी का जो बैकग्राउंड था, झारखंड में केस हुआ था लगभग 2-3 साल पहले, उसमें उनकी जो बच्ची हुई थी उसकी उनकी डेथ हो गई थी और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उस समय कह दिया था कि ये मलेरिया की वजह से डेथ हुई है। लेकिन उनका कहना ये था कि जो बच्ची जो है वो स्टारवेशन की वजह से डेथ हुई है और वो मरते मरते तक सिर्फ भात भात चिल्लाती रही थी, यानी कि शी वॉज आस्किंग फॉर द राइस। और इसके बाद भी कई सारी चीज़ें हुई कि शी जो कोयली देवी हैं, शी इज कैप्ट ऑन फाइटिंग, वो उनका अभी भी केस चल रहा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और में आके काम बात करी है। इसके अलावा भी जो इसमें एक चीज़ जो समझने लायक है वो ये है कि डेथ ड्यू टू स्टारवेशन जो है वो एक बड़ा इशू है, भूख से जो मृत्यु होती है वो एक बड़ा इशू है, लेकिन वो कई बार अनरिपोर्टेड रह जाता है, बहुत कई बार अनरिपोर्टेड रह जाता है और मीडिया भी इसे इशू नहीं बना पाती। दूसरा जो एक बड़ा कंसर्न ये भी होता है कि जिस स्टेट्स में ये स्टार्वेशन डेथ होती है वो स्टेट कभी एडमिट भी नहीं करेगा कि हाँ ये डेथ जो है वो स्टार्वेशन की वजह से हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हमें देखना होगा आगे इस मैटर में क्या होता है। ये एक सीरियस केस है स्टार्वेशन, क्योंकि जो हमारा हंगर इंडेक्स है उसमें भी अगर इंडिया की पोजीशन देखें तो बहुत अच्छी नहीं है, और बहुत सारे जो डेटा का इशू आता है वो भी रहता है कि हमारे जो रिपोर्टेड डेथ्स होती हैं वो भी नहीं पता चलती। तो ऑफिशियल सोर्सेज से बहुत सारी जो डेथ्स हैं स्टार्वेशन वो अनरिपोर्टेड रह जाती हैं। हालांकि इस केस में आगे क्या होगा वो हम आगे आपको अपडेट्स देते रहेंगे, और इसमें हमने कई सारे लिंक दे रखे हैं, आधार का जजमेंट भी दे रखा है हमने लिंक में, और इस कोयली देवी के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में भी हमने दे रखा है। इसमें एक बात और मेंशन करनी थी कि जो कोयली देवी थी, इनका जो जब इन्होंने मतलब अपनी लड़की के लिए फाइट करना शुरू किया जिसकी डेथ स्टार्वेशन की वजह से हुई थी, तो इनके जो विलेजर्स थे, तो इन्होंने विलेजर्स ने इनको अपने गांव से ही निकाल दिया। रीज़न बीइंग विलेजर्स ने बोला कि आपने अपने गांव को डिफेम किया है, आपकी वजह से पूरा गांव बदनाम हुआ है। तो मैं इनके बारे में और जो डिटेल्स हैं वो पूरे लिंक में शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। आज की खबर है द हिंदू की, और सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे सुनवाई करेगा, अच्छी बात यह है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आगे शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।